बड़ी। आज उन्नत भारत अभियान टीम में खारपा गांव से काफ़ी विद्यार्थीगण हमारे साथ एकत्रित हुए हैं, जिनको हमने अलग अलग जगह पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के अंदर सभी जो लैब्स हैं उन पर विजिट करवाई बच्चों को, और यहाँ उनको बताना चाहा है कि किस प्रकार से हमारे देश में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, डिजिटल इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, उसमें किस तरह से हम उन्नत भारत अभियान से मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को और विस्तृत लेवल पर कर सकते हैं। अभी हाल ही में कल भारतीय स्पेस मिशन की नई रिपोर्ट आई है जिसमें हमने बात करी है कि हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ला रहे हैं, जो हमारे देश के जो ये यंग जनरेशन है इनको आगे बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा। और हमने यहाँ पर इनको सभी लैब्स दिखाई हैं और इन लैब्स के अंदर कैसे काम होता है इनको बेसिक लेवल पर, क्योंकि ये मूलतः जो छात्र हैं ये छठी से आठवीं तक के हैं, तो हमने लैब्स के अंदर इनको बताना चाहा है कि किस प्रकार से ये साइंस की तरफ अपना रुझान और अच्छा कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी हमने काफ़ी बातें करी हैं, और हमने इनको सभी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं इनसे भी अवगत कराया है। साथ ही हमने पिछली बारी विजिट में इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स गिफ्ट किए हुए जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, उसके अंतर्गत हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हम जो IIT JEE नीट और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम उनको फ्री में मटीरियल जो इंडिया लेवल पे कॉम्पिटेटिव कोचिंग से उनका मटीरियल फ्री में हार्ड डिस्क के अंदर देकर इनको पढ़ने में मदद कर सके, क्योंकि जो ये गांव है यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है। सो हमने अपनी तरफ से ये पहल करी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उन्नत भारत अभियान का जो सपना है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है उसके लिए हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से दे पाए। धन्यवाद। किसको अपने डिज़ाइन देते हैं अलग अलग उसमें साइज में लेके आते हैं, तो ये आपका क्या हुआ ब्लैक स्मिथ सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका फाउंड्री सेक्शन, यहाँ पे क्या करोगे आप, वहाँ पे जो मेटल को गर्म करके फर्नेस से गर्म करके यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, पैटर्न के जो होलो सब एरिया रहेगा उस पर हम लोग मेटल को मेल्ट कर मेटल जो रहता है पिघला हुआ मेटल उसको फिल करेंगे और जो हमें डिज़ाइन चाहिए वो मिल जाता है। कोई भी जैसे हम बोल रहे हैं ये ऑडियो सिग्नल, और जब हम देखते हैं वो है विजुअल सिग्नल। विजुअल सिग्नल इमेज भी हो सकती है, फोटो जो होता है ना फोटो, और वीडियो भी हो सकता है। तो वीडियो क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस को अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात देख रहे हैं तो कोई वीडियो भी फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो सिग्नल्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी के होते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के होते हैं आवाज़ जोशी है, हमें सिविल डिपार्टमेंट से, तो आज हम इन बच्चों को सिविल डिपार्टमेंट की लैब्स में लेके गए थे। सबसे पहले हम इनको हाइड्रोलिक लैब में लेके गए थे, जिसमें कि हमने इनको बताया कि बिजली कैसे बनती है पानी की मदद से, तो जो डैम होता है उसकी मदद से जो पानी होता है जो हाइड्रोजन नीचे आता है तो जो टर्बाइन रोटेट होती है उसकी मदद से बिजली बनती है, उसके बारे में हमने इनको बताया और बहुत सारी मशीन वहाँ पर हमने इनको दिखाई, और इसके अलावा हमने पानी के स्रोत के बारे में उन्हें बताया गया है हाइड्रोलिक लैब में, कि पानी पैदा कैसे हैं उसके रिलेटेड सिस्टम की है, तो प्रेशर रहता है उसके बारे में बताया। इसके अलावा PRO गए थे, वहाँ पर बहुत सारी मशीन सिखाई गई, टर्बाइन सिखाई गई, जिस तरीके से काम करती है और जिस तरीके से उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है।